नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुरेश कुमार चौधरी, आपके बीच में। आज हम ऐसे उद्योग को लेके हाजिर हैं जो महानगरों में दिखाई देता था, बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पर इसका काम किया जाता है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं जहां पर सरफ बनाने की फैक्ट्री लगाई गई है। यह फैक्ट्री जो है सरजू नदी के किनारे लगाई गई है और यह काम लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है। यहाँ के गांव के व अन्य जनपदों के लगभग 30 लोगों को रोजगार दिया गया है। आप माने तो अगर आपकी इच्छा कार्य करने की हो तो निश्चित तौर पे गांव हो, देहात हो या कोई भी इलाका हो, आप उद्योग लगा करके अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसा ही देखने को मिला है हमको बस्ती जिले के बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत माझा खुर्द गांव में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यहां पर सड़क बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अब यह तेजी के साथ किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी लगे हुए हैं जिनको गांव में रोजगार मिला है। ऐसे उद्योग लगने से जहाँ एक रोजगार के अवसर खुलते हैं, वहीं लोगों को कार्य करने का भी मौका मिलता है, उसके बदले उनकी आमदनी भी होती है। आज हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम मिलवाएंगे और सरफ बनाने की प्रक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये पैकिंग हो रहा है। ये पैकिंग जो है जो होलसेल की दुकान है वहां पर जाएगी, वहां से फुटकर दुकानदारों के हाथ जाएगी, वहां से आपको ये माल मिल सकेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद है। नाम क्या है आपका? रामदीन। क्या कर रहे हैं आप? तो सब बना रहे हैं। अच्छा, सब बना रहे हैं। हाँ। उसकी पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग कब से कर रहे हैं? ढाई साल है। हाँ? ढाई साल हो गया। हाँ। आपको अपने गांव में रोजगार मिल रहा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए ठीक है। देखिए, ये बुजुर्ग हैं और इन्हें इस बुजुर्ग में ये कार्य मिला है और इन्हें काफी अच्छा भी लग रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, नाम क्या हुआ आपका? राम सूरज। कब से काम कर रहे हैं? ढाई साल। तीन ढाई साल। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले लोग दिल्ली बम्बई जाते थे काम करने के लिए। हाँ। गोरखपुर जाते थे या बड़े बड़े महानगरों में जाते थे। हाँ। अब आपका ये माझा इलाका कहा जाता है, बगल में सरजू नदी जी है, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा। कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और उसके बदले आपको रोजगार मिल गया। रोजगार मिल गया। अपने घर पे भी चले जाते हैं टाइम से। अच्छा, अपने घर पे चले जाते हैं। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? आठ घंटा। आठ घंटे। तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा है सरफ आपका? अच्छा है। अच्छा है। कभी आपने यूज किया है? यूज किया है। हाँ, किया है जी। तो आपने देखा है कि देखिए, ये जो बुजुर्ग हैं, गांव के लोग बुजुर्ग हैं, निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी बात है कि ये सरफ बनाने का काम किया जा रहा है। जो इसके प्रोप्राइटर हैं अशोक यादव जी हैं, निश्चित तौर पे माझे इलाके में उद्योग लगा करके लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी बात कर लें। माता जी, क्या नाम आपका? तारा। कहाँ की रहने वाली है? यही की। कैसा लग रहा है आपको रोजगार गांव मिल रहा है? अच्छा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, जी। तो देखिए, महिलाओं का भी साफ तौर पे कहना है कि इन्हें गांव में रोजगार मिल रहे हैं। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह के तहत भी लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, लेकिन अशोक यादव जी ने तमाम लोगों को ऐसे रोजगार दिए हैं कि जिनके घर का खर्चा इसी से चल रहा है और ये काफी रोजगार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली हैं? दोबहाट के। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। आपके गांव में ही रोजगार मिल रहा है? नहीं, यही है। यही है। अच्छा, ये कैसा है सरफ? ठीक है सरफ। ठीक है, यूज की है? हाँ, लग जाते हैं। तो देखिए, ये है, ये यूज किए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो हमारे कहाँ के रहने वाले भैया? देवरिया। देवरिया के। कैसे आप यहाँ आए? भैया बुलाए थे। अच्छा अच्छा, जो ये सरफ की क्वालिटी है कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? सब अपने अपने अनुभव के आधार पे है, अनुभव से देखते हैं उसको। कहीं आपने ट्रेनिंग लिया है सर? नहीं। जी जी जी, ट्रेनिंग किए हैं। अक्सर मार्केटों में देखा जाता है कि तमाम सरफ की कंपनियां हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो जो हमारे ग्राहक हैं वो जब यूज करते हैं तब विश्वास करते हैं, यानी कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें। तो कितना दिन से काम कर रहे हैं आप? हमको तो लगभग में इस लाइन में 35 साल हो गए। 35 साल हो गया। तो बड़ा अनुभव आपको होगा। जी। तो ये जो बन रहे हैं सरफ, कैसे बन रहे हैं, क्या क्या गुणवत्ता है ये सरफ? क्वालिटी में है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। किस किस रैपर के बन रहे हैं ये? अभी तो उजाला के नाम से बन रहा है जी। और कौन कौन से हैं? और छड़ी के नाम से है जी, और यूनिक पत्ता के नाम से है जी।
अच्छा, इसका पैकेट है कितने कितने ग्राम से शुरू होता है? इसका पैकेट तो 500 ग्राम से शुरू होता है जी, और अभी 450 ग्राम चला है। अभी 450 ग्राम? हाँ, 450 ग्राम कर। ये कौन सी मशीन है? FFS। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे पैकिंग होती है। पैकिंग होती है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इनका जो पैकिंग वाला ऊपर सामान है, इधर से आएगा तरफ और ये पैकिंग बना के जो है इधर से गिराया जाता है, ये है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है, और पीछे भी हम आपको दिखा दें, पीछे भी दिखा दें कि देखिए इधर जो है जो कच्चा माल है ये बन के फिट है पूरी तरीके से ना, और इस पे काम करने। क्या नाम है? इधर आइए। जय प्रकाश नाम है। क्या कर रहे हैं आप? सौरभ बनाए भैया। कब से बना रहे हैं? एक साल हो गया। एक साल हो गया आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा भैया, गांव में ही रोजगार मिले हैं। हाँ, कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। हाँ, 8 घंटे खट रहे हैं, अपने घर पहुंच जा रहे हैं। बढ़िया भैया। बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। अशोक यादव जी का काम कैसा है? बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, तो चलिए ये देखिए जो काम करने वाले हैं, हमने इनसे भी मिलवाया है, अब हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो काम करने वाले हैं ये मौजूद। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? मैं वही माल माल बनाते हैं। हाँ। अच्छा, कितना कितना उत्पादन करते हैं एक दिन में? अरे जितना बड़ा जितना बन जाए। अच्छा, जितना बन जाए। हाँ। क्वालिटी ठीक है? हाँ, क्वालिटी ठीक है। अच्छा, कितना दिन से काम कर रहे हैं? हमें बेची चाहिए 5,500 दिन में। अच्छा, कहाँ घर है आपका? कलवारी। कलवारी? कलवारी से आप यहाँ आए हैं? हाँ। तो देखिए कलवारी से भी लोग यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ के जो MD हैं हम उनसे बात करेंगे, अशोक यादव जी हैं। निश्चित तौर पर अशोक यादव जी की बारे में आप जानेंगे। इन्होंने काफी मेहनत किया है इस क्षेत्र को डेवलप करने में और इस कंपनी को डेवलप करने में। लगातार 24 घंटे काम करते हैं, लगातार बाहर रहते हैं। आज संजोग रहा है कि हमारी मुलाकात आज हो गई है इनके इनके कंपनी में, और आते हैं इनसे बात करते हैं। अशोक यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने ग्रामीण इलाकों में ऐसी रोशनी जगाई है, ऐसा उत्पादन लगाया है कि लोगों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। लोग बाहर जाते हैं, 10,000 में नौकरी करते हैं, उन्हें उसी में रहना होता है, उसमें खाना होता है, उसी में परिवार का भरण पोषण भी करना होता है। जी, 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 तो ये द्वाबा क्षेत्र है, ऐसे में आपने ये बड़ा उद्योग लगाया है। आज हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि 30 लोगों को अपने रोजगार दिया है। जी, 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 और लगभग आधा दर्जन से अधिक जनपदों में आपकी सप्लाई चल रही है। जी, 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 तो कैसे संभव हो रहा है? गाँव का इलाका है सर, गाँव का इलाका है, समस्याएं चुनौतियाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन आदमी के पास साहस और अनुभव हो जी और कार्य कुशलता हो तो बहुत आसान होता है ये काम। जैसे शहरों में क्या होता है, शहरों में तो बहुत सारे लोग उद्योग लगाते हैं जी, शहरों में काम भी लोग कर लेते हैं, सारा सामान उनको अच्छी तरीके से मिल जाता है जी। हम लोग को थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन वो संतोषजनक भी होता है जी, कि हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं जो शहर में जाके नौकरी नहीं कर सकता है जी। मकसद इस कंपनी का सिर्फ पैसा कमाना नहीं है जी, मकसद हमारा है एक सामाजिक कार्य भी हम कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं कि जिसको यहाँ पर रोजगार नहीं पा सकते थे जी, जिनके घर में खुशियां नहीं थी जी, वो आज ये कंपनी खुशियां दे पा रही है। दूसरी बात यह है कि गांव में कुछ समस्याओं के साथ साथ कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी भी होते हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जैसे हमारे पास अपनी जमीन में हमने फैक्ट्री लगाया जी, तो हम शहर में बहुत बड़े किराए से बच पाए जी, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रदूषण की समस्या शहरों में हुआ करती है जो हमारे यहाँ नहीं है, और एक अपने आप को एक से एक संतुष्टि इसलिए मिल पा रही है कि हमारे पास काम करने वाले लोग गांव से निकल करके वो निपुण हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं जी, क्योंकि संस्था का उद्देश्य पहले भी जब आपसे हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा संस्था का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है जी, संस्था का उद्देश्य केवल बहुत बड़ा आदमी बनना बनाना नहीं है जी, संस्था का उद्देश्य ऐसे कंपनियों को चुनौती देना कि जो AC कमरे में बैठ करके पूरे भारत को डील कर रहे थे, आज 10-12 जिलों में हमारा वॉशिंग पाउडर उनको चुनौती दे रहा है जी। और इस कंपनी का उद्देश्य यह है कि कंपनी बड़ी होगी तो अस्पताल और विद्यालय खोलेगी और कंपनी निःशुल्क तरीके से अपनी एरिया के गरीब लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देगी जी, और निःशुल्क उनको जो है स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी जी। इसको लेकर के हम लोग कंपनी चला रहे हैं। कंपनी चलाना केवल एक बिजनेस ही नहीं, हमारा एक उद्देश्य है जी, उद्देश्य है कि सामाजिक सेवा जी, और इसको करते हुए इसके लक्ष्य को हासिल करते हुए हम दिख रहे हैं, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट को बहुत सारे सुदूर अंचल की तमाम महिलाएं हैं जो यूज कर रही हैं और बड़ा धन्यवाद मिलता है, अच्छी तरीके से काम चल रहा है जी। तो यही सब लेकर के हम लोग चल रहे हैं, बाकी क्षेत्र के लोगों का काफी सहयोग है जी। और कोई सवाल हो? कितने वर्षों से आप ये बना रहे हैं? अभी तो 3.5 साल हुए हैं। तो कई बार ऐसे अवसर आए होंगे जब आप शुरुआत किए होंगे तो मनोबल टूटता है, मनोबल टूट गया, कैसे मनोबल टूटता है जब अनुभव की कमी होती है और समस्याएं आती हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका सामना कर पाना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है जी।
लेकिन वो धैर्य से और अनुभव से जी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो प्रेरणा देते हैं जी। तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े, तमाम चुनौतियों के बावजूद आज बड़ी बड़ी कंपनियों को हम चुनौती दे पा रहे हैं जी। आज उनके प्रोडक्ट हम ऐसा प्रोडक्ट बना करके, जैसे हमारा एक छड़ी वॉशिंग पाउडर हम लोग अभी लाए हैं जल्दी जी, जो आज सर्फ एक्सल और एरियल को टक्कर देने को तैयार है जी। और रेट उसका इतना वाजिब रखा गया है, इतना वाजिब रखा गया है जी, कि हर घर में जो उसको एक बार यूज कर ले रहा है, उसकी पैकेट इतनी बड़ी है जी, इतना हल्का पाउडर है वो कि महंगे से महंगा कपड़ा आप धुलिए जी। तो ये तकनीकी हम लोग मतलब इस पर रिसर्च करवा रहे हैं जी, एक रिसर्च टीम भी हमारे पास है कि कौन सी ऐसा ब्रांड हम लोग लेकर के आए कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सके, जो एसी कमरे में बैठ करके और 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए किलो का नफा लेते थे, आज उनको भी हम लोगों की वजह से ऑफर देना पड़ रहा है जी। ऐसे अभी हमारा यूनिक पत्ता एक पाउडर है जी, यूनिक पत्ता हमारा मार्केट में उतरा तो हरा पत्ता ने स्कीम के रूप में 28-28 किलो देने लगा, जहां वो 25 किलो नहीं दे पा रहा था, हमने रेट को कम कर दिया जी। तो शायद मुझे संतुष्टि मिल रही है जी, कि जो एक बड़े बिजनेसमैनों का शोषण था जी, उससे हम जनता को बचा पा रहे हैं जी। और यही मेरा उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। बाकी सबका सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग है इसमें जी, कि इसका जो है प्रचार प्रसार होगा, लोगों के बीच में जाएगा जी। और जितने लोग हमारे दर्शक हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार जरूर इस पाउडर को यूज करिए जी। इस पाउडर को यूज करने से आपकी आपको लगेगा कि हाँ देहात में भी कुछ हो सकता है जी। जिसे लोग देहात कहते थे, हम उसे देहात नहीं मानते हैं जी, हम उसको पवित्र धरती का ऐसा मतलब ये माँ सरजू का ऐसा स्थान मानते हैं जी, यहाँ बड़े बड़े लोग मत्था टेकने आते थे जी। और ये साबित कर रही है ये हमारी इंडस्ट्री जी, एक छोटी सी इंडस्ट्री जी, जो अब बड़े पैमाने का रूप ले रही है और मुझे लगता है कि आगे चल करके इसमें हजारों एम्प्लॉई होंगे जी। हम लोगों का उद्देश्य सफल होगा, हजारों लोगों को हम लोग रोजगार देंगे और एक बड़ा मिसाल कायम करने का उद्देश्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं जी। तो आपने सुना ये अशोक यादव जी थे जिन्होंने कंपनी लगाई है। आप लोग अब तक टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े जो सेठ होते हैं उनका आप सिर्फ यूज कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों का यूज कर रहे थे, उन कंपनियों को ये मात दे रहे हैं और ये ग्रामीण इलाके में माझा इलाके में रह करके मात दे रहे हैं। लगातार इनके जो कंपनी है बढ़ रही है, कर्मचारी बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया है कि आगे चल के हमारी संस्था द्वारा अस्पताल और निःशुल्क सुविधाएं भी तमाम दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज हमने दिखाया है कि ग्रामीण इलाके में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार को लगा करके अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये 500 ग्राम का छड़ी है, ये मार्केट में कितने मिलेगा सर? ये मार्केट में 30 रुपए मिल जाएगा, 30 रुपए में। और इसकी जो पैकेट है जी, पूरे हिंदुस्तान में इतना हल्का पाउडर कोई बना नहीं पाया अभी तक जी, इतना क्वालिटीफुल पाउडर कोई पब्लिक को दे नहीं पाया जी। आप चूंकि एक अनुभवी व्यक्ति हैं, किसी भी दुकान पे जाएंगे आधा किलो की पैक मांगेंगे तो इससे आधे वजन का पैकेट लोग देते हैं जी, मतलब वेट तो उनका ज्यादा रहेगा जी, लेकिन उसमें मतलब यह है कि जो क्वालिटी फुल पाउडर होता वो नहीं लोग दे पाएंगे जी। दूसरा पाउडर हमारा है जी, जो आपको मार्केट में ये भी 30 रुपए में लोग बेच पा रहे हैं दुकानदार, यूनिक पत्ता के नाम से है, ये भी 500 ग्राम की पैकेट है, लेकिन 1 किलो के पैकेट के बराबर पैकेट है जी। यानी आप कह सकते हैं कि जिस घर में 5 किलो पाउडर महीने का यूज होना है, वो 2.5 किलो 3 किलो में ही काम चल जाएगा। ये पूरी पैकेट भरी हुई है जी। तो ये हमारी कंपनी का उपलब्धि है जी, और बड़ी संतुष्टि है जी। संतुष्टि ये है कि पब्लिक का सेवा कर पा रहे हैं जी। हर जनता का अगर 10 रुपए हम बचा पा रहे हैं पब्लिक का महीने जी, में जी, तो मेरा जीवन सफल है। इसको लेकर के कंपनी चल रही है जी। जी पहले शुरुआती दौर में तमाम चुनौतियां आई, लेकिन अब वो चुनौतियां बहुत किनारे हो गई हैं, साइड हो गई हैं जी। अब संस्था को आगे बढ़ने में कोई ऐसा ब्रेक नहीं है जो रोक पाएगा जी। तो सबका धन्यवाद। तो चलिए, आपने यादव जी ने आपने हमको समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया, आपको धन्यवाद। निश्चित तौर पर हम ऐसे तस्वीरें ऐसे खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर होते रहेंगे, जिससे आपका भी मनोबल बढ़ सके। हमारा आपसे निवेदन है कि जो गांव की प्रोडक्ट है इनको आप लोग यूज करिए और उनका हौसलों को बढ़ाइए। निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र के लोगों को एक रोजगार मिल सकेगा, जैसा इन्होंने बताया है 30 लोगों को रोजगार इन्होंने दिया है। अभी दीपावली के पर्व पर हम देख रहे थे, तमाम लोगों के घर में इन्होंने खुशियां देने का काम किया है, तमाम लोगों के घर में मिठाई देने का काम किया है और तमाम लोगों को सम्मान देने का काम किया है। निश्चित तौर पर इनका जो कार्य है काफी अच्छा है। आज के लिए बस यहीं तक।